किसी भी विकल्प आईटीआई ग्रुप में, आईटीआई में अगर आप जो है 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और जो है क्या प्रोसेस है, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आईटीआई ही क्यों करें, इसमें बहुत बड़ा सवाल है। और 2022 में किन लोगों को आईटीआई कर लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। आपको समझने से पहले एक पॉइंट बता दें फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप जो है पीएचडी भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो पीएचडी भी डिग्री व्यर्थ हो जाती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आईटीआई जो है बेकार होता है, आईटीआई करना अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप आईटीआई कर लिए हैं, चाहे डिप्लोमा कर लिए हैं, चाहे पीएचडी कर लिए हैं, चाहे कुछ भी कर लिए हैं, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, बेरोज़गार हैं, तो डिग्री भी आपके लिए बेरोज़गारी, मतलब कि आप डिग्री जो है वो ख़राब मानी जाती है, वो डिग्री ही व्यर्थ हो जाती है। लेकिन अगर कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो कोई भी डिग्री हो, चाहे छोटा मोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, अगर सिलेक्शन कहीं हो गया तो वो डिग्री भी आपका फ़ायदेमंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कैसे कैसे आप जो है यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आईटीआई ही क्यों करें, इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपके सामने है कि 2022 में आईटीआई करने के फ़ायदे ये हैं, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, इस बात को समझते हैं और आईटीआई ही क्यों करें, इस बात को थोड़ा समझते हैं। अगर फ्रेंड्स 2022 में अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति जो है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप जो है रोज़गार की तलाश में है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है और रोज़गार की तलाश में है, तो फ्रेंड्स जो है आप आईटीआई करके 10 से 20 हज़ार, जी हाँ दोस्तों, 10 से 20 हज़ार रुपये जो है आप आसानी से कमा सकते हैं, पा सकते हैं। टेक्निकल अगर कोर्स कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10 से 20 हज़ार जो है, बहुत सारी सी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जहाँ पे 10 से 20 हज़ार आपको आसानी से मिल जाती हैं। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है कि लोग सोचते हैं कि मिलता नहीं है, बहुत सारी सी कंपनियाँ स्टूडेंट्स जो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत समस्या नहीं होती है, आपका 10 से 20 हज़ार रुपये आप यहाँ पर काबिल हो जाते हैं अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि जो है आपको जॉब जल्दी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब जल्दी चाहिए, जॉब जल्दी चाहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं और अच्छा थोड़ा सा पैसा इनकम कमाना चाहते हैं तो आईटीआई आपके लिए बेस्ट होगा। अगर वहीं आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा की जो वैकेंसी आती है वो भी कम आती है, और दूसरी बात है प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी डिमांड बहुत कम होती है डिप्लोमा वालों की। तो यहाँ पे हमको टेक्नीशियन की तलाश होती है, बहुत सारे से जो है कंपनी जिनको टेक्नीशियन की तलाश होती है, तो अगर आप आईटी कर लेते हो तो टेक्नीशियन हो जाते हैं और इसमें जो है आपको हर साल जो है वैकेंसी आती रहती है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो है बहुत सारे सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते रहते हैं, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन रहता है, तो वहाँ पे आप 10 से 20 हज़ार आराम से जो है कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ़ायदा है अगर आप आईटी कर लेते हैं, क्योंकि छोटा ग्रुप डी का कोर्स होता है और टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें आपको बड़ा बेनिफिट इसमें मिल जाता है। दोस्तों इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2022 में किन लोगों को आईटी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत लोग कमेंट किए थे कि जो है आईटीआई करना बेहतर होगा या फिर डिप्लोमा करना बेहतर होगा, तो मैंने इसके बारे में बताया था। मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप 2022 में आईटीआई करने की तलाश कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं, तो अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो फ्रेंड्स आपकी आईटीआई जो है बेटर होगा, आप कर लीजिए। क्योंकि आपके पास अगर टेक्निकल कोर्स हो जाते हैं तो आप घर नहीं बैठेंगे, आपको कहीं कहीं जॉब लग जाएगा, सही सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मेरे बहुत जान पहचान के लोग हैं जो कहीं कहीं अच्छा खासा जो है आईटीआई करके जो है अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जरूर कमा रहे हैं, वो घर नहीं बैठे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, आप आईटीआई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है और टेक्निकल हो जाता है तो आपके सैलरी भी आगे बढ़ जाती है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आप जो है आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर जो है प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़ी कंपनी से मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, मोबाइल कंपनी बहुत सारी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्राइवेट सेक्टर देख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में से UPPCL हो गया, NTPC का रेलवे हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अगर तैयारी कर लेते हैं जॉब रहते ही, लेकिन दो चीज़ें फ़ायदा हैं, अगर आप आईटी कर लेते हैं तो आप जॉब करते भी, प्राइवेट में जॉब करते भी गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आप वहाँ से धीरे धीरे तैयारी करके अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, अच्छा कोर्स है और टेक्निकल कोर्स है जिससे आपको इनकम का स्रोत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है ये।
तो फ्रेंड्स आई होप कि इस बातों को समझ पाए होंगे, और 2022 में अगर आप आईटी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जैसे कोई सूचना आती है आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से चैनल से आपको जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको सूचना मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल पर आप इसी चैनल के अंदर सेविकल आईटी गुरु से नाम से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।